यह हमारे जिस सिटी का कॉलेज का हॉस्टल और हॉस्टल का बच्चा से अभी हम मिलाएंगे जो कि बहुत ही खतरनाक बच्चे हैं हॉस्टल के। मैं गाइस एक बार फिर से आप सबका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप होंगे अपने घर में ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे इन दिनों में। तो गाइस अभी मैं आया हूँ कॉलेज, अपने कॉलेज में, और गाइस काफ़ी एक दो दोस्त आ रहे हैं और उनसे दोस्त और क्लासमेट भी हैं और अभी मिलने के लिए आ रहे हैं। अभी तो गाइस वो दफ्तर में गए हैं थोड़ा सा अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज देने के लिए, कुछ आए थे जो कि कॉलेज की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो कुछ तो वो देने के लिए आए हैं। उसके बाद फ्री हो जाएंगे तो मैं भी अपने रूम से आया हूँ तो अभी उनसे मिलेंगे। तो आज काफ़ी देर बाद मिल रहे हैं तो मिलके आज का देखते हैं क्या ब्लॉग बनता है, कॉलेज के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, देखते हैं क्या होता है गाइस। तो चल मिलते हैं, आज का ब्लॉग भी स्टार्ट। सब बहुत अच्छा है, कूल वेदर है हमारे कॉलेज के अंदर, देख सकते हो ये हमारे कॉलेज प्रीमिसेस है। तो गाइस देख सकते हो कितना अच्छा है यहाँ का रोड और इन्वायरमेंट कितना ज़बरदस्त है। और अभी हम जा रहे हैं नीचे चौक में और चौक से मिलेंगे इसके अंदर जो व्यू है ना गाइस। डिग्री के लास्ट दिन है और अभी लास्ट सेमेस्टर है तो बहुत मिस करेंगे इस कॉलेज को, और उसी के लिए मैं आज व्यू यहाँ का रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कॉलेज के जाने के बाद ये व्यूज़ बहुत याद आएंगे और कॉलेज के ये रिकॉर्डिंग के क्लिप्स बहुत याद आएंगे। काफ़ी देर बाद इंतज़ार करने के बाद हमारे VPCR मिले, मैं कॉलेज आया और अपने फ्रेंड से मिल गया और इंटर्नशिप पे गए और हम अभी कॉलेज में प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और देख लो दो तीन महीने छः महीने का गैप जो होता है उसमें कितना बदलाव आ जाता है, शक्लें बदल जाती है यार, बड़े टाइम वो टाइम था 2018 का एक ये पीछे है ये हमारे तो आयुष साइकिल चला रहा है। मैं चाहता हूँ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की देख तेरे को साइकिल बाइक आती चलानी तो बाइक आती नहीं चलानी, साइकिल में थोड़ा कंफर्टेबल हो पा रहा है अभी इतना अच्छा नहीं है, नहीं हो रहा है ना, साइकिल की सीट थोड़ी छोटी होती है, मतलब बाइक की चौड़ी होती है। सीट की नहीं बात करो, मतलब चलाना आ रहा है तेरे को अच्छा? चलाना नहीं यार, 5 मिनट लगते हैं। देख लो गाइस ऐसा हम ऐसा सोचते हैं कि जिसको बाइक आती होगी चलाना उसको तो डेफिनेटली साइकिल आता ही होगा, बस 2-3 मिनट लगते हैं और एक बारी बंदा चलाना थोड़ा शुरू कर देते हैं। आयुष कौन है पता करेंगे ये आयुष कौन है यूट्यूब में जाके देखो 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 बीपी द मोस्ट वांटेड पर्सन और एसएसपी में जा रहा है गाइस इस वक्त हूँ मैं बस स्टैंड जम्मू सिटी में और अभी जा रहा हूँ अपने गाइस इस वक्त हूँ मैं बस स्टैंड में और अभी हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। और काफ़ी देर बाद ऑलमोस्ट एक साल बाद मैं चला हूँ अपने घर, तो जल्द मिलते हैं आगे गाड़ी में हटाने के लिए, उसके बाद देखते हैं बस मिलेगी कि नहीं। मेरी बस है बॉर्डर की नाइट जो कि रात को चलेगी और सुबह जा देगी, लगभग 5-6 घंटे लग जाते हैं यहाँ से मेरे को अपने गांव किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जाने में के लिए। और अभी मैं हूँ जम्मू सिटी में और सिटी अपने कॉलेज से हॉलीडेज पड़ी और मैं जा रहा हूँ अपने घर, और काफ़ी अच्छा सफ़र रहेगा और काफ़ी देर बाद जा रहा हूँ तो जल्दी आगे बस स्टैंड और मेटाडोर की। गाइस मैंने अपने टिकट कटा ली और अभी ये है मेरी गाड़ी लगी और अभी निकलेगी 12 बजे इसकी टाइमिंग है गाइस, तो जो कि रात को निकलती है। और अभी हम अपने सामान रख लेते हैं गाड़ी में और उसके बाद चल पड़ते हैं। मैंने टिकट काट लिए और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए और उसके बाद चलते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी रात को 12 बजे है तो 12 बजे तक मैं क्या करूँगा, अभी इवनिंग है तो अभी थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं उसके बाद डिनर और उसके बाद चल पड़ेंगे हम अपनी गाड़ी में। तो 5-6 घंटे का सफ़र रहेगा ये और काफ़ी लंबा सफ़र है, रात को तो मैं सो जाऊँगा और सुबह सीधा जाके मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाऊँगा। तो चलते हैं आगे सिटी में थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा सिटी की तरफ और वहाँ पे थोड़ा सा कुछ खरीद लेते हैं कुछ सामान, क्योंकि इतनी देर बाद घर जा रहे हैं तो कुछ छोटा मोटा सामान लेना तो बनता ही है। गाइस मिलेंगे आगे मार्केट में जाके, बाजार में बोल देख सकते हैं कितना रश है, बड़े धक्के भी बज रहे हैं यहाँ पे, रश बहुत है, सारे देख रहे हैं जरा ये देख रहे हैं गाइस कितना रश है सिटी बाजार की तरफ, सारा सिटी घूम के रहेंगे।
मुंसली रेजिडेंसी रोड, और अभी तक समझ नहीं आ रहा मेरे को लेना क्या है। घूम रहा तो हूँ सिटी, बट एक्चुअली मेरे को चाहिए क्या। अभी तो सिटी देख रहा हूँ कि क्या पसंद आएगा, हर दुकान पे जा रहा है, मैंने देख ली, बट कुछ समझ नहीं आ रहा लेना क्या है। अभी कुछ पसंद नहीं आ रहा, और बस इतना है कि जो पसंद आएगा वो लेना है। तो हो सकता कुछ पसंद भी नहीं आया और ऐसे चल पड़ो। तो अभी चलते हैं वापस चलाएंगे और क्या करेंगे इसके बाद। अभी मैं बस स्टैंड में और मैं गाड़ी में बैठने वाला हूँ। तो करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म, कल का ब्लॉग कल मैं अपने एरिया में अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाऊँगा और वहाँ का व्यू बहुत अच्छा आपको दिखाऊँगा। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।